और भाई यूट्यूब ने प्रमोट नहीं किया ना, 6 महीने के बाद मुझसे कहता ना मेरे भाई कोलैबोरेशन वीडियो बनानी तुम्हारे साथ, मैं कहता हूँ बनाऊंगा भाई तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन वीडियो, मना नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो वर्सेस लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर कौन सा चैनल ज्यादा ग्रो करता है। कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ उसकी ग्रोथ को लेकर के, उसके मोनेटाइजेशन को लेकर के, उसके फेम को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो का बता देता हूँ। शॉर्ट वीडियो में ग्रोथ थोड़ी जल्दी है, वो कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट सेक्शन में आप कोई भी शॉर्ट डालोगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि अगर जो आपने अभी डाला और आधे घंटे के बाद शायद उसके अंदर 1,000, 2,000 या 3,000 व्यूज मिल जाए तो ग्रोथ बहुत जल्दी है इसके अंदर। लेकिन एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट वीडियो के बारे में। आप मेरी वीडियो पे व्यूज देखो जो मेरी लॉन्ग वीडियो की व्यूज बनाता हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डाली तो उसके व्यूज देखो। लॉन्ग वीडियो की मैं बात करूं तो उसके अंदर एवरेज व्यूज मतलब 50, 60, 70 रहते हैं। अगर मैंने शॉर्ट्स यहाँ पर जब मैंने एक शॉर्ट डाला तो आप इसके व्यूज देख सकते हैं 300+ है शॉर्ट्स वीडियो। मतलब यह होता है कि शॉर्ट वीडियो पे व्यूज अच्छे मिलते हैं थोड़े टाइम में, लेकिन फेम थोड़ा जल्दी मिल जाता है शॉर्ट वीडियो पे क्योंकि वायरल जल्दी हो जाती है। लेकिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो का तो मायने ही बदल दिए यूट्यूब पर, क्योंकि खुद का कंटेंट नहीं डाल रहे, दूसरों का कंटेंट डाल रहे हैं, रीयूज कंटेंट यूज कर रहे हैं यूट्यूब की शॉर्ट्स पर। 50 चैनल्स देखे भाई मैंने जब मैं इस कंटेंट की रिसर्च कर रहा था, ज्यादातर मैंने शॉर्ट्स पर दूसरों की ही वीडियो देखी, तो उसमें यार ग्रोथ कहां हो जाएगी भाई, मेहनत कोई और कर रहा। डालोगे आप अपने शॉर्ट्स पर, ग्रोथ उसकी होगी भाई जिसका आप कंटेंट यूज कर रहे हो, ग्रोथ आपकी नहीं है। क्योंकि शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम होता है ना वो भी काउंट नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो आप शॉर्ट पे फोकस करो लेकिन उसको अपना कंटेंट डालो भाई। और अगर जो आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो तो भाई अच्छा कंटेंट दो, क्योंकि मैं कल शॉर्ट्स वीडियो पे कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई, कुछ दिखा ही नहीं, मेरे को मजा ही नहीं आया यार। क्योंकि कंटेंट शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, शॉर्ट्स चैनल क्यों लॉन्च किया यूट्यूब ने वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। आप 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते लोग। इस वजह से लोग आज के टाइम में मतलब हर जगह टाइम बचाना चाहते हैं भाई। मैं आपको बताऊं बैंक की लाइनों में लगेंगे ना तो ये सोचेंगे भाई पहले मेरा नंबर आ जाए, या किसी की भी लाइन में एटीएम की लाइन में लगोगे ना तो ये सोचेंगे भाई मेरा नंबर पहले आ जाए। हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरा नंबर पहले आ जाए। भाई अगर जो आपके साथ भी ऐसा हो या आप भी ऐसा सोचते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि हाँ भाई मैं भी हम भी यही सोचते हैं कि भाई हर किसी में टाइम बच जाए। यहाँ पर भी आप यही सोचते हैं कि भाई हम खुद वीडियो ना बनाएं, खुद कंटेंट ना लिखें, बस दूसरों का कंटेंट उठा करके अपने चैनल पर डालो और चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, जब आप उसको रिव्यू में भेजोगे ना भाई आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई वो रिव्यू में आप जब भेजोगे तो भाई जब वो आपके कंटेंट को रिसर्च करेगा, 1 वीक का समय लेता है वो, कहां से मोनेटाइज कर देगा आपका चैनल वो, क्योंकि आपने ही पहले से ही अपने चैनल पर रिव्यूज कंटेंट डाला हुआ है। तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, अगर जो आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो, लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते आप भाई, लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना पसीना आ जाते हैं भाई नीचे से। तो दोस्तों आप कितनी मेहनत करते हो, कंटेंट उठाने में भी मेहनत लगती है। तो ये तो थी शॉर्ट्स की बात। अगर मैं लॉन्ग वीडियोस की बात करूँ यूट्यूब पर तो भाई कम से कम 500 वर्ड्स की तो आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तभी आप उसमें कम से कम 8 या 9 मिनट का खींच सकते हो। जब तक आपके 500 से या 1,000 वर्ड्स नहीं होंगे ना तो भाई आप 2-3 मिनट में खत्म कर दो अपनी वीडियोज को। तो आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट होना चाहिए अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, जब आप यूट्यूब पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो मोटिवेशन होता है ना वो भी बढ़ने लगता है। तो जब आप लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो आपको थोड़ा ग्रो होने में समय लगता है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, शॉर्ट वीडियो के मुकाबले पे लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगता है। लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग होती है प्रॉपर तरीके से, अच्छा सा उसमें कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए भाई, क्योंकि सामने वाले अच्छा कंटेंट ही नहीं होगा तो भाई वो एक मिनट की या 20 सेकंड में देख करके भाग जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो आप यहां तक टिके हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को सुन रहे हो मेरे यहां तक, तो भाई मेरे कंटेंट में कुछ तो बात होगी यार, कुछ तो डिफरेंट होगा और लोगों से। लॉन्ग वीडियो में आप अपना कंटेंट डालो भाई, अगर जो वहां पे भी आप दूसरों कंटेंट डालोगे तो वो भी मोनेटाइजेशन से मना कर देगा यूट्यूब। अगर जो वहां आप अपना कंटेंट डालोगे तो भाई जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अगर आप वहां पर भी रीयूज कंटेंट यूज करोगे ना भाई, मोनेटाइज ही नहीं करेगा आपका चैनल। तो भाई आप मेहनत करो यार, अपना खुद का कंटेंट बनाओ, खुद की स्क्रिप्ट बनाओ, जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है आप उस पर अच्छे से स्क्रिप्ट लिखो, या आप गेमिंग में हो, एंटरटेनमेंट में हो, या टेक्निकल से रिलेटेड हो। अब इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर जो आप एंटरटेनमेंट की वीडियो बना रहे हो तो भाई कम से कम वीक में एक भी डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की मैं बात करूँ तो भाई कम से कम 4 से 5 दिन तो भाई उसकी स्क्रिप्टिंग में लग जाते हैं। उसके बाद फिर उसको शूट,
उसके बाद फिर एडिटिंग जो मेन काम होता है, तो कम से कम 15 दिन लगते हैं भाई एंटरटेनमेंट की। अगर जो मैं बात करूँ 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, तो अगर मैं टैक्स चैनल की बात करूँ तो भाई टैक्स चैनल पर तो अपडेटेड रहना पड़ता है, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम, जैसा सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। अगर कोई भी एकदम अपडेट आ जाती है ना भाई, रात को 4 बजे भी वीडियो बनानी पड़ जाती है। हमारे जुन्नू भाई को देख लो भाई, हमारे मनोज देव को देख लो, या महात्मा जी को देख लो, हैं कुछ यूट्यूबर्स जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और अपडेट रहते हैं भाई, रात को 4 बजे भी 5 बजे भी कोई अपडेट आता है ना, तो सबसे पहले भाई वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई यूट्यूबर के भाई मेरी वीडियो सबसे पहले देख ले लोग, क्योंकि अच्छा कंटेंट जब कोई प्रोवाइड करवाता है ना भाई, जब अच्छी मेहनत करोगे आप तो आपके माइंड में भी ये रहेगा कि भाई मेरी वीडियो सबसे पहले शूट हो जाए, जो भी कोई यूट्यूब का अपडेट आता है। और मैं आपको बताऊं भाई यूट्यूब का अपडेट कहां आता है, आप बहुत लोग कंफ्यूज हैं और मेरे पास इसके लिए मैसेज भी आया था कि भाई यूट्यूब अपडेट कहां आती है, हमें तो पता ही नहीं चलता है आज तक। कभी कभी तो आपको मेल पे मिल जाएंगे, जिस जो मेल आपकी रजिस्टर्ड होगी ना यूट्यूब चैनल से, जिससे आपने क्रिएट किया होगा, वहाँ पर भी आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन तो भाई क्रिएटर इनसाइडर के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है मेरे दोस्तों, वहाँ पे उसको जाकर के सब्सक्राइब करो, आपके पास जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना उसका, अपडेट आएगी तो तुरंत आपको वीडियो बनानी है। भाई जो पहले वीडियो बनाएगा भाई देखो वही जीतेगा भाई, दौड़ में भी ऐसा ही होता है, अगर जो आप दौड़ लगाओगे फर्स्ट जो आएगा भाई उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं तो फिर आप ब्रॉन्ज सिल्वर इस पे रह जाओगे या फिर भागते रह जाओगे भाई पीछे। तो दोस्तों ये थी लॉन्ग की और शॉर्ट वीडियो की बात। अगर जो आप भी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना रहे हो या बनाने का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई। तो भाई अगर जो आप भी शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हो ना भाई, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ लेना मेरे भाई, किसी का दूसरे का कॉन्टेंट यूज नहीं करना, ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में, बस अपना कॉन्टेंट बनाओ, अभी ग्रो करोगे। और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ भाई, 10-10 वीडियो डाल के, 20-20 वीडियो डाल के भाई मेरे को मैसेज मत करो यार इंस्टाग्राम पे प्लीज, क्योंकि यार वीडियो तो डालो भाई, कैसे प्रमोट करें आपको ये तो बताओ मुझे भाई। आपकी वीडियो हम इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं अपनी स्टोरी पे, और बताओ कहाँ लगाएं मेरे भाई, अपने चैनल पे थोड़े इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई, ये भाई का चैनल है सब्सक्राइब करो, ऐसे तो 1000 मैसेज आएंगे हमारे पास, 1000 मेल आ जाएंगे मेरे पास, 1000 रिक्वेस्ट आ जाएंगी भाई मेरा भी चैनल प्रमोट कर दो, मेरा भी चैनल प्रमोट कर दो भाई, ये तो बताओ आपकी 10-10 वीडियो हैं, चलो हम प्रमोट भी कर देते हैं भाई। अगर जो आप अगर जो मेहनत कर रहे हो यार, 100-200 वीडियो आप डाल रहे हो यार, तब मजा आता है यार काम करने में, एक साथ कोलैबोरेशन वीडियो बनाने में मजा आता है भाई एक साथ। अगर जो आप 100-200 वीडियो डाल देते हो भाई, 10-10 वीडियो डाल देते हो भाई, चैनल प्रमोट कर दो भाई, कहां से प्रमोट कर दें यार दोस्तों, भाई मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करो, हर कोई यही कहेगा आपको भाई मेहनत करो मेहनत करो। अब मेहनत कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई इस वीडियो में, अब सुन लो भाई मेरी बात। अगर आपको वाकई में चैनल ग्रो करना है ना मेरे भाई, कम से कम 6 महीने लगातार बगैर रुके काम कर लो यूट्यूब पे, मैं कहता हूं ग्रो जरूर करेगा आपका चैनल। अगर जो आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो अपने चैनल पे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ना आप यूट्यूब को, तो मैं कह रहा हूँ भाई यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा आपको। और भाई यूट्यूब ने प्रमोट नहीं किया ना 6 महीने के बाद, मुझसे कह देना मेरे भाई कोलैबोरेशन वीडियो बनानी तुम्हारे साथ, मैं कहता हूँ बनाऊंगा भाई तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन वीडियो, मना नहीं करूंगा बिल्कुल भी। लेकिन आप मेहनत तो करो यार, 6 महीने तो करो, 6 महीने तो कम से कम रेगुलर काम करो मेरे भाई। 6 महीने का मतलब पता क्या होता है, कम से कम 180 वीडियो डाल के तो देखो यार एक बार चैनल पे, मैं कहता हूँ यार आपको किसी के प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप 180 वीडियो डाल देते हो ना, कोई एक वीडियो भी चल गया, आपको किसी का प्रमोशन की जरूरत नहीं है भाई, फिर लोग आपके पास आएंगे कि भाई अब हमारे चैनल का प्रमोशन कर दे, फिर आप भी इनको ये समझाओगे कि भाई 6 महीने काम कर ले, मैंने भी 6 महीने काम किया था और आलिम भाई ने बताया था आउटटेक पे कि भाई 6 महीने काम कर लो और चैनल ग्रो कर लो, तो भाई करो यार 6 महीने काम, उससे पहले मैं कह रहा हूँ इधर उधर मत भटको। जिसकी भी वीडियो देख रहे हो, एक चैनल चला दे भाई, एक का चैनल चला रहे हो, आप सोच रहे हो यार एंटरटेनमेंट की मुझे बहुत बेटर लग रही है, उसमें बहुत सारे व्यूज आ रहे, उसमें एंटरटेनमेंट घुस दिया भाई साहब। मैंने बहुत सारे चैनल देखे यार, क्योंकि कल मैंने इतनी रिसर्च करी इस कॉन्टेंट के लिए मेरे भाई, कह नहीं सकता मैं, मैंने 50-100 चैनल देखे मेरे भाई, क्योंकि मैं एक चैनल देख रहा था, उसने भाई क्या रखा, पहले सबसे पहले उसने क्या डाल रखा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, यूट्यूब की टिप्स, उसके बाद क्या कर दिया भाई, एंटरटेनमेंट घुस दिया उसके अंदर, उसके बाद क्या करा भाई, कॉमेडी, उसके बाद क्या भाई, रोस्ट भी करने लगा उसके अंदर। भाई एक चीज पकड़ लो मेरे दोस्त, एक चीज तब तक नहीं पकड़ोगे ना तो भाई कामयाब नहीं होगे मेरे भाई। अगर जो आपने एक नीच पर 6 महीने काम कर लिया ना, मैं कहता हूँ आपकी ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई आपको अपने चैनल पे एक ही नीच का कंटेंट रखना है। अगर जो आप ये सोच रहे होंगे ना भाई यार किड्स वाले में तो बहुत व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो भाई किड्स की तरफ क्यों भागो यार, भागो मत मेरे दोस्त, किसी के पीछे भागना नहीं, बस अपने चैनल के पीछे भागो, उसमें मेहनत करो, उसमें कंटेंट लिखो, उसमें शूट करो, उसमें अच्छा एडिट करो और उसको पब्लिश कर दो। मैं कहता हूँ 6 महीने काम कर लो भाई, 6 महीने बहुत टाइम हो गया इस बात को कहते कहते, लेकिन 6 महीने अब काम कर लियो भाई सीरियस होकर के गाइज, क्योंकि मैं खुद आपसे इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि जब अब इंस्पायर बता दूँ मैं क्यों होता हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना भाई, हमारे पास तो यहाँ अच्छी लाइट भी है, अच्छे कैमरे, अच्छे माइक हैं भाई, मैंने ट्राईपॉड्स देखे बेचारे कुछ लोगों के भाई, लकड़ियों पे खड़ा करके अपना मोबाइल तब बना रहे हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ भाई, हम पे तो फिर भी बेहतर है यार। अगर जो हम जैसे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं रात में हो रहा था डिमोटिवेट,
कि भाई आलिम क्या कर रहा है यार तू। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ जब मैंने आप सब लोगों को देखा कि भाई कितनी लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं। तो भाई आप लोगों को देखकर ही हमारे अंदर मोटिवेशन और बढ़ती है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा भाई। भाई लास्ट में बोला, देख मैंने सब्सक्राइब करना, ना शुरू में बोला ना बीच में बोला, भाई लास्ट में बोलता हूँ मैं हमेशा कि भाई सब्सक्राइब कर दो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो।